बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी लास्ट जो टॉपिक था वो था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, 7.6 एक्सरसाइज थी, वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जो 7.7 में आएगा आपका, कौन सा? पैरामीट्रिक फंक्शन। देखो बेटा, एक तो हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं पैरामीट्रिक। थोड़ा सा एक बार पीछे का याद करो, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको एक रूल बताया था, चेन रूल। तो चेन रूल और पैरामीट्रिक दोनों अलग अलग है, इनका कोई लेना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ डिफरेंस बता रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो ये सुनो कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखो बेटा, पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर भी आपको dy by dx ही निकालना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x और y किसी तीसरी वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। मतलब x और y खुद किसका काम करेंगे? फंक्शन का। जैसे मैं यूं लिख दूं, x इज इक्वल टू 2t प्लस में 1। तो यहाँ x एक फंक्शन है, किस वेरिएबल में? t वेरिएबल में। x और y किसी तीसरे वेरिएबल में होते हैं। तीसरे वेरिएबल वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि x भी t का फंक्शन दे दिया जाए और y भी t का फंक्शन दे दिया जाए। यहाँ t कांस्टेंट नहीं है, t भी वेरिएबल है। x और y जो dy by dx हम निकाल रहे थे, उसमें जो x और y थे, y क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो x और y थे ना, वो किसी तीसरे वेरिएबल में होंगे। वो तीसरा वेरिएबल आपका चाहे t चले, चाहे थीटा चले, चाहे फाई चले, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी तीसरा वेरिएबल यूज होगा। अब सुनो, यहां पर x t का फंक्शन है। जब y x का फंक्शन होता था, हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते थे, dy by dx। यहाँ पे x t का फंक्शन है, तो हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बताओ, x के डेरिवेटिव को t के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो क्या लिखा जाएगा? dx by dt। अब देखो, हम इतना डेरिवेटिव कर चुके, 6 एक्सरसाइज पढ़ चुके, अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो इतना डिफरेंस तो आप समझ सकते हो। जो ट्रीट आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स के केस में एक्स के साथ करते थे ना, वैसे ही ट्रीट आपको विद रिस्पेक्ट टू टी के केस में टी के साथ करने हैं। मुझे इतना, जब आप इसका डेरिवेटिव करने लगे, आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 2t का 2 आएगा कि नहीं आएगा? जिस तरह से एक्स के रिस्पेक्ट में 2x का क्या आता था? 2। तो 2t का आ जाएगा 2, और बेटा प्लस में 1 तो कांस्टेंट है। आप किसी के रिस्पेक्ट में भी करें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, निकाल दिया आपने dx by dt, y भी t का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, तो यहां से क्या लिखा जाएगा? dy / dt। तो ये बताओ, जब x के रिस्पेक्ट में करते तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, अब आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और प्लस में 5 का क्या हो जाएगा? 0। तुमने dx by dt निकाल लिया, dy by dt निकाल लिया, डेरिवेटिव के रूल वही है जो हमने पीछे पढ़े थे। अब देखो, आपको dy by dx कब मिलेगा? हम यूं कहेंगे, dy by dt को डिवाइड कर दो dx / dt से। यूं बताओ, जब dt से dt कैंसिल होगा तो dy by dx बचेगा कि नहीं बचेगा? इसी चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि भी आप dy by dx निकालने के लिए dy by dt को मल्टीप्लाई कर दो dt by dx, तो बेटा वो बात तो बराबर ही है। ऐसे कहो, डिवाइड में कहो, ये टर्म वापस से ऊपर जाके यहीं तो आ जाएगी। इसलिए अब आ जाओ, dy by dt आपका कितना है? 2t, और dx / dt आपका कितना है? 2। तो सोल्व हो गया हमारा, क्या आया? तो dy by dx क्या आएगा आपका? टी आएगा। निकाला हमने, यहाँ पर भी dy by dx है, लेकिन ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब आपको समझ में आ गई कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल में हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप x को तो t में लिख रहे हो और y को थीटा में लिख रहे हो, दोनों सेम वेरिएबल में होंगे। अब मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी आपको, पैरामीट्रिक में और चेन रूल में क्या डिफरेंस था। देखो बेटा, चेन रूल में क्या डिफरेंस था? उसमें वो वहां पर भी dy by dx था, लेकिन उसके अंदर क्या था कि जैसे y ने दिया t का फंक्शन,
उसके बाद t दे दिया x का फंक्शन कह लो चाहे एक स्टेप और बना लो, सीधा कह दो कि आपको t दे दिया x का फंक्शन। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, वहां पे हम कह रहे हैं x और y किसी तीसरे वेरिएबल में होते थे और यहाँ तो एक कड़ी सी बनती है, चेन सी बनती है कि y t में है, t किस में है, x में। तो याद करो इसमें हम dy by dx कैसे निकालते थे, dy by dx कैसे निकालते थे, पहले यहाँ से क्या निकलेगा dy by dt, यहाँ से क्या निकलेगा dt upon में dx, हम कहते थे dy by dt की मल्टीप्लाई कर दो dt upon में dx। तो ये लिखने में तो एक जैसे दिख रहा है लेकिन ये बदल भी सकता था, आपकी जो चेन है वो एक स्टेप और बढ़ जाती, मतलब t दे दिया जाता थीटा का, फिर थीटा दे देते x का। तो डिफरेंस रखना है चेन रूल में और पैरामेट्रिक फंक्शन के। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शन ध्यान रखने बेटा इम्पोर्टेंट है, हम जो आठवां चैप्टर पढ़ेंगे पहली बात तो ये एक्सरसाइज है पूरी पैरामेट्रिक पे, उसके बाद 7.9 एक्सरसाइज जो आएगी ना उसमें भी हम पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड में उसमें से 6 नंबर का काम आता है 7.9 में से। और उसके बाद जब हम आठवां चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी पैरामेट्रिक फंक्शन का यूज होता है। अब देखो इस एक्सरसाइज को करते हैं, आपका जो एक्स और वाई के वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, वो वेरिएबल आपका तीसरा कोई भी यूज हो, टी यूज हो, थीटा यूज हो, फाई यूज हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा अब हम करें एक्सरसाइज शुरू, एक्सरसाइज 7.7 पैरामेट्रिक फंक्शन, समझा लिया क्या होते हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नया नहीं है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना उससे बाहर एक सिंगल डेरिवेटिव नहीं मिलेगा आपको। देखो इधर x दे दिया 2at² और y दे दिया 4at, तो बेटा यहाँ पे ये जो स्मॉल है ना ये तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन x और y कौन से तीसरे वेरिएबल में है, t में है, यानी कि फंक्शन कैसा है पैरामेट्रिक। हमें यहाँ पे निकालना क्या है dy by dx, इधर देखो बेटा x t का फंक्शन है तो हम x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे जो क्या लिखा जाएगा dx upon में dt। तो ये बताओ 2a तो कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t होगा तो ये 4at हो जाएगा, y का डेरिवेटिव निकालेंगे हम t के रिस्पेक्ट में dy by dt, तो बेटा 4a तो कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या dy by dx, तो ये आपको ध्यान रखना है dy by dx कब मिलेगा, dy by dt को डिवाइड कर दो dx by dt से, dy by dt कितना 4a और dx by dt कितना 4at, 4a से 4a कैंसिल हो गया तो 1/3, तो ये आपका dy by dx। ध्यान रखो चेन रूल में इसमें डिफरेंस होता है बेटा। फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू 3at अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, हम u इंटू v पढ़ते थे, u अपॉन v पढ़ते थे, वो सारे रूल सेम रहेंगे u के, सिर्फ हम जिस रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे वो वेरिएबल चेंज हुआ है सिर्फ। ये बताओ जब dx upon में dt लगाएंगे तो u upon v फॉर्म में लगेगा कि नहीं, नीचे क्या आएगा v स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u, तो बेटा 3at में 3a तो कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में u एज इट इज 3at और डेरिवेटिव ऑफ v तो 1 का तो 0 और 2 t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t। कर लो सोल्व, देखो ये बनेगा 3a प्लस में 3at स्क्वायर और ध्यान देखो माइनस में 6at स्क्वायर तो माइनस का 3at स्क्वायर बच जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर। और सॉल्व करना है आपको तो आप यहां से 3a कॉमन ले सकते हो, जब 3a कॉमन लोगे तो अंदर 1 माइनस में t स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका dx अपॉन में dt। जब हम dy अपॉन में dt निकालेंगे तो यहाँ पर भी u अपॉन v फॉर्मूला ही लगेगा, क्या लिखा जाएगा नीचे v स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, v एज इट इज 1 प्लस t स्क्वायर, बेटा डेरिवेटिव ऑफ u सुनो ध्यान से 3a कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t तो ये 6at बन जाएगा,
माइनस में u 3t स्क्वायर बाहर और डेरिवेटिव ऑफ v तो 1 प्लस t स्क्वायर का क्या होगा 2t। ये भी जितना आप सोल्व कर सकते हो आप सोल्व कर लो बेटा, 6at हो गया और ये बनेगा 6at क्यूब और माइनस में क्या आएगा देखो यहां से आया प्लस का 6at क्यूब माइनस में 3 into 2 6a और ये भी t क्यूब है और अपॉन में है 1 प्लस में t स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये टर्म यहां कैंसिल हो जाएगी। ये है आपका dy by dt। हमें क्या चाहिए यहां लिख रही हूं dy अपॉन में dx तो dy अपॉन में dx निकालने के लिए dy by dt को डिवाइड कर दो dx अपॉन में dt से। dy by dt क्या आया 6at अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर और dx by dt क्या आया था आपका ये था 3a 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया और अगर हम ध्यान से देखें तो a से a कैंसिल हो जाएगा 36 को 2 पे कैंसिल कर देगा तो ऊपर तो बचेगा 2t और नीचे बचेगा 1 माइनस t स्क्वायर। तो ये है आपका dy by dx। उसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। x जो है वो भी u upon v फॉर्म में है, y जो है वो भी u upon v फॉर्म में है, a वो एक कांस्टेंट आपका तो u upon v से डेरिवेटिव कर लेना dx by dt dy by dt निकाल के। आप जो dy by dx निकालने के लिए dy by dt को डिवाइड करेंगे dx by dt से तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो बेटा फर्स्ट का लास्ट पार्ट, a है अंडर द रूट t square minus 1 upon में t square plus 1 और y है a t root t square minus 1 t square plus 1। इसमें भी अलग कुछ नहीं बस थोड़ा लंबा है। ये बता जब तुम यहां से dx upon में dt निकालोगे तो इसका derivative कैसे करोगे? इसका derivative करते टाइम a constant है वो तो बाहर रह जाएगा और फिर हम पहले किसका करेंगे power का और फिर किसका करेंगे बेस का। मेरे ख्याल में ध्यान होगा देखो इधर a तो बाहर इसकी पावर आगे रही 1/2 लेकिन बेटा 1/2 आगे लेने के बाद जब पावर में से 1 माइनस कर दे तो -1/2 बचेगी। उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे लिखते हैं ना लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा पावर पॉजिटिव बन जाएगी। आप जो टर्म नीचे थी वो तो ऊपर लिख दो जो ऊपर थी नीचे लिख दो। यहां तक इसकी पावर का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद जब इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो u / v लगेगा लेकिन एक बात का ध्यान रखना इसका बेस का डेरिवेटिव करने के लिए आप यहां देखना ना कि यहां, यहां तो बेस चेंज हो गया था आपका। इसमें लगाओ आप u / v क्या लिखोगे t² + 1 का होल स्क्वायर t² + 1 बाहर t² - 1 का 2t माइनस में t² - 1 बाहर और ये 2t। जितना भी पॉसिबल आपसे सॉल्व आप सॉल्व कर लेना। फिर क्या निकालेंगे हम dy by dt इसका थोड़ा ध्यान करना है। देखो a तो कांस्टेंट है लेकिन यहां पे t भी है मल्टीप्लाई में तो ये लंबा जाएगा कोई बात नहीं जाएगा तो जाएगा u into v लगाना पड़ेगा आपको। u लगा लो आपने a into में t as a u बाहर ले लिया तो इसका डेरिवेटिव वैसे करेंगे जैसे आपने अभी इसका किया था पहले पावर का। पावर के लिए 2 आगे चला जाएगा पावर -1/2 बचेगी तो हमने उल्टा करके लिख दिया बेस तो प्लस की होगी और फिर इसका बेस का करने के लिए क्या लगाएंगे u / v फिर प्लस में क्योंकि अब तक हमने क्या किया u as it is derivative of v प्लस में v as it is derivative of u और u का काम हम किससे करवा रहे हैं a * t से तो वहां पे a तो आ जाएगा बाहर और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। कितना भी लंबा तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप dy / dx निकालने के लिए dy / dt को डिवाइड कर देना dx / dt से। तो ये था बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बस आपको पैरामीट्रिक में क्या होता है वो चीज पता होनी चाहिए। डेरिवेटिव तो एक भी ऐसा नहीं है जो हमने पीछे ना पढ़ा हो। उसके बाद सुनो इसका सेकंड क्वेश्चन। यू कह रहा है x जो है ना वो 1 - t² / 1 + t² के इक्वल है और y 2t / 1 + t² है। कहते हैं शो दैट तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। टिक कर रहे बेटा प्रूव दैट शो दैट आए कहता शो करो कि dy / dx प्लस में x / y किसके इक्वल आएगा 0 के। तो पहले तो हम यहां से क्या निकालेंगे dy / dx। अब dy / dx निकालने के लिए तो पैरामीट्रिक फंक्शन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करना पड़ेगा।
पहले dy by dt निकालेंगे, dx by dt निकालेंगे, फिर dy by dt को dx by dt से क्या करेंगे, डिवाइड। देखो इधर मैं निकाल रही हूँ dx अपॉन में dt, यहाँ पे u अपॉन v लगाया तो 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस t स्क्वायर बाहर और ये आएगा बेटा माइनस का 2t, माइनस में 1 माइनस t स्क्वायर बाहर और 1 प्लस t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। सॉल्व कर लो, देखो माइनस का 2t और ये माइनस का 2t तो यहाँ से माइनस का 4t हो जाएगा, माइनस का 2t क्यूब और प्लस का 2t क्यूब आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर dx अपॉन में dt। फिर मैं निकाल रही हूँ dy अपॉन में dt। देखो इधर dy by dt निकालने के लिए भी u अपॉन v लगाना पड़ेगा, 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस t स्क्वायर बाहर और 2t का हो जाएगा 2, माइनस में 2t बाहर और 1 प्लस t स्क्वायर का क्या आएगा 2t। करो सॉल्व, ये बन गया 2 प्लस में 2t स्क्वायर और माइनस में 4t स्क्वायर तो माइनस का 2t स्क्वायर आएगा, नीचे हमारे पास है 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 1 माइनस t स्क्वायर आ गया, जितना पॉसिबल सॉल्व कर सकते थे हमने कर लिया। अब एक बार बेटा मैं ये साफ कर रही हूँ, यहाँ पे देखो।